पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 833 लाभार्थियों को नव निर्मित मकानों की चाबी वितरित की गई। मुरादाबाद जनपद में अभी तक 19,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वाली एक लाभार्थी महिला से NIC कॉन्फ्रेंस सेंटर के माध्यम से सीधी बात की। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिला से बातचीत कर ये जाना कि उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी को कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा। महिला ने बताया कि उसने किसी को पैसा नहीं दिया है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी योजना के तहत आवास मिलने वाली लाभार्थी से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद किया और मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थी को बधाई भी दी गई। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुरादाबाद जनपद में भी आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 किस्तों में मिले पैसों के बाद कई परिवारों के घर तैयार हुए हैं। नवनिर्माण हुए घरों की चाबी और प्रमाण पत्र आज मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा के महापौर द्वारा लाभार्थियों को सौंपा गया। इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद जनपद में जन कल्याणकारी योजना का लाभ पाने वाली महिला से वर्चुअल तौर पर मुरादाबाद से सीधे बात की। नगरी के तहत आज लाभार्थियों को सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी किस्तों का वितरण किया गया है। आज जो है यहाँ पर 833 लाभार्थियों को वितरण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। अब तक इस जिले में 19,000 लोगों को प्रथम किस्त और उसमें से काफ़ी को द्वितीय और तृतीय किस्त भी मिल चुकी है। तो लगभग 19,000 मकान अब यहाँ पर या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में है, जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएंगे। निश्चित रूप से मकान एक हर व्यक्ति का एक सपना होता है और कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान और आजीविका से जुड़ा होता है। तो मैं सभी उन लाभार्थियों को बधाई दूंगा जिनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है और प्रदेश सरकार का भी आभार कि प्रदेश सरकार ने इन लोगों के लिए और भारत सरकार ने इस तरह की योजना लाई और सभी लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। देखिए आज जो है 833 लोगों को यहाँ दिया गया है और अभी तक 19,000 लोगों को इस ज़िले में इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। देखिए टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी का यह है कि 2022 तक हर उस व्यक्ति को जिसके घर जिसके सिर पर छत नहीं है उसका आवास बनवाया जाए, उसको इस योजना का लाभ दिया जाए। तो टारगेट 100% लोगों को आच्छादित करने का है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना जो है आवास योजना, उसमें हमने 2,853 लाभार्थियों के लिए 1,341.17 करोड़ का ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो पूरे प्रदेश में जो हमने लाभार्थियों को चयनित करके जो हमने किया है, आज इसके अंतर्गत मुरादाबाद को प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन करने में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आज NIC में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डायरेक्ट लाभार्थी से वार्ता की गई और किरण देवी नाम की महिला जो इसकी लाभार्थी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद किया और इसके बाद यहाँ पर आज पंचायत भवन में सांकेतिक रूप से 15 हमने जिनके मकान कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको मतलब 3 किस्तें 2.5 लाख की जा चुकी हैं, उनको आज हमने चाबी और प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया है। यह योजना शहरों में गाँव में पंचायतों में सब जगह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हर व्यक्ति को घर मिले, उसके अंतर्गत लगभग 9 लाख घरों को बनाकर इस योजना का लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है।